प्यारे बच्चों मंगलो नमस्कार। आप उन मित्रों से उन रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा बचिए, कोशिश करिए, अवल तो उनसे दूरी बना के चलिए, नहीं दूरी बना सके तो बचिए। जो मित्र रूप में, रिश्तेदार रूप में, जो क्या कहते हैं, कभी न कभी जिन्होंने आपके साथ कृतघ्नता कर दी हो, विश्वासघात कर दिया हो, या नहीं भी करा तो भी बहुत ज़्यादा खुदगर्जी हो, स्वार्थी लोभी हो और मौके बेमौके पे आपकी काट कर जाते हो, पीछे से तो आपकी कोई तारीफ करना तो दूर किया था, कुछ न कुछ किसी न किसी को आपके बारे में आए बाएँ करते रहते हो, ठीक है ना, आपको मालूम पड़ जाता सारी चीज़ का। ऐसे लोग मित्र और रिश्तेदार कहने लायक नहीं होते, बेसिकली हमारे विरोधी होते हैं, लेकिन रूप इनका मित्र और रिश्तेदार का होता है, ठीक है ना। आप इस चीज़ पर गौर करिए, ये लोग ईर्ष्यालु होते हैं, जलनखोर होते हैं, सीधी सी बात यहाँ पर यह है, शब्दों को पकड़ के मौके बेमौके पे मारने और तर्क वितर्क में इतने माहिर होते हैं, जो मतलब जिसको कहना चाहिए और तर्क वितर्क में कुतर्क ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसे मीठे ढल जाएंगे जैसे कि इनसे बड़ा मीठा कोई है ही नहीं व्यक्ति, ये मेरे पक्के हितैषी हैं, ये समझना आपका काम। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई, मैं इससे बहुत सारे लेख लिखे जा चुके, वीडियो बन चुकी, तासीर को समझिए, फिर उसका उसके अंग लक्षण, व्यवहार लक्षण, स्वभाव को समझिए, तभी पार पड़ेगी, वरना आपको कौन कब ठग जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगी, बस आप सोचते रहोगे जिसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। ये तो हमारे घर ऐसे लोग जितना घर में आते हैं ना, घर की बातों को, औरतों की बातों को, बच्चों की बातों को, आपके घर के सारे सिस्टम को गौर करते रहते हैं, काउंट करते रहते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस ढंग से बातें रखते हैं, आप किस किस का क्या कहते हैं, आप क्लेरिफिकेशन देते हैं। फिर कई लोग शर्म के मारे करते हैं, जो समझदार होते हैं उनको मालूम है, उनको ही मालूम है ये ऐसा ही व्यक्ति है जो इतनी बातें बता रहा है दूसरे की, ठीक है ना, लेकिन वो क्या, वो फिर इस बात को अवॉइड कर जाते हैं और शर्म के मारे करते नहीं, संकोच बस, शर्म तो संकोच बस। लेकिन कोई व्यक्ति ये भी समझदारी रखता है कि अरे भाई इनको जिनके साथ ये कहानी बन रही है उनके घर में इतना आता जाता है या उनके पास इतना उठता बैठता है तो उनको तो कम से कम मैं बताऊं, तो उससे एक चीज़ का प्लस पॉइंट रहता है बस इतना ही कि ताकि क्या कहते हैं वो सजग हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखिए तासीर को लेकर। मंगल कामना, नमस्कार।